Good morning and assalamu alaikum friends. I'm Maryam Fatma and welcome again to my YouTube channel MAFNC. Today in this video I'm going to tell you how to make chicken makhani. It is very easy and it's very delicious. So first I'm going to tell you the ingredients. First we need some butter, homemade, 1 cup. I've taken 1 cup. Then we need some chopped onion, 5 to 6 medium sized, okay. And here I've taken 2 breast pieces of chicken. I've cut them into 1 inch cubes. Here I've taken 1 and a half teaspoon of white pepper, 1 and a half teaspoon of salt, and 1 teaspoon of black pepper. Here I've taken 2 tablespoons of guys, here I've taken 2 tablespoons of chopped green chili, and here is the 2 tablespoon of garlic and onion paste. So guys, यहाँ मैंने एक pan लिया है, इतना आपको size चाहिए, जितना कढ़ाई जितना होता है, और इसको मैंने चूल्हे पे रख दिया है. अब मैं इसके अंदर butter डालूँगी और melt होने guys, here आप देख सकते हैं कि बटर मेल्ट हो चुका है और अब मैं अंदर प्याज डालूंगी. गाइस, मैंने प्याज अंदर डाल दिए हैं और हमने इसको मीडियम फ्लेम पे तक पकाना है जब तक वो गोल्डन नहीं होता. सो गाइस, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, प्याज जो है वो सोते हो गए हैं और गोल्डन हो गए हैं. तो अब मैं इसके अंदर थोड़ा मैंने जो लहसुन लिया था, लहसुन और अदरक का पेस्ट, वो और फिर मैं अब मैं इसमें चिकन ऐड करूंगी. लाके फिर आप चिकन को थोड़ी देर ढक दें ताकि वो गल जाए. सो गाइस, अब मैंने अपनी हांडी को ढक दिया है ताकि उसके अंदर जो चिकन मैंने ऐड की थी वो गल जाए. और अब मैं थोड़ी देर बाद इसको चेक करती रहूंगी कि वो नीचे तो नहीं लग रही. सो गाइस, अब मैं इसको खोलने लगी और एक दफा इसे हिलाऊंगी. हिलाने के बाद मैं इसके अंदर चीजें ऐड करूंगी. फिर मैं इसे दोबारा अच्छी तरह हिलाऊंगी. सो गाइस, अब मैं इसको हिला के अब थोड़ी देर के लिए दोबारा मैं इसको दम पे रखूंगी. सो गाइस, चिकन को अच्छी तरह भून लेने के बाद अगर आपने कोई चीज़ और ऐड करनी है, कोई भी मसाला हस्ब जायका और ऐड करना है, तो आप कर सकते हैं. और मैं सहरी के वक्त नॉर्मली बनाती हूँ, क्योंकि तब मैं चेक भी कर सकती हूँ कि अगर इसके अंदर कोई चीज़ कम है या ज़्यादा. तो अब मैं इसके अंदर आग हल्की करके मैं क्रीम ऐड करूँगी अच्छी तरह. सो गाइस, इसको अच्छी तरह हिला के फिर आपने इसको दोबारा दम पे रख देना है. सो गाइस, बस 2 मिनट के बाद आपने जब इसे देखना है तो घी जो है वो अलग हो चुका होगा. और जब आपके पास ऐसी हांडी तैयार होगी तो मतलब आपकी हांडी तैयार. और ये सो गाइस, एज आप यहाँ देख सकते हैं, हम ऐसी छोटी जो स्टील की कढ़ाइयाँ होती हैं इसके अंदर भी हम इसे सर्व कर सकते हैं, जैसे मेरे बाबा को पसंद है. और यहाँ मैंने मटके की कढ़ाई में इसको सर्व किया है, जैसे कि मेरी पप्पू को पसंद है. और हम फिर इसको बाहर रख सकते हैं. सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. आप इसको ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा. ये बहुत ही झटपट और लजीज रेसिपी है और ये मैंने खुद बनाई है. और प्लीज़
अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो और अगर आपको चिकन मखनी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।